वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। 7 सितंबर को गाइस जवान मूवी रिलीज हुई है। इसी के साथ में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भी शानदार पेशकश करी है हड्डी। मैं ऑलरेडी इन दोनों मूवीज की रिव्यू बना चुकी हूं, साथ ही में इन मूवीज के एक्सप्लेनेशन पे भी काम चल रहा है। इसी के साथ में हॉलीवुड की तरफ से भी एक हॉरर मूवी की पेशकश हुई है जिसका नाम है द नन 2, जिसका फर्स्ट पार्ट का ये सीक्वल है। द नन का फर्स्ट पार्ट गाइस 2018 के अंदर आया था, जहां लोगों के रेस्पॉन्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं मिले थे इस मूवी को। इसी के कारण इसका सेकंड पार्ट बनाना बिल्कुल एक के बराबर था। द नन 2 7 सितंबर को ही रिलीज हुई है, जो कि द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 9th इंस्टॉलमेंट है। इंडियन ऑडियंस को हॉलीवुड देखते हुए डिसाइड कर चुकी होती है कि आखिर की कौन सी मूवी इंडिया के अंदर अच्छी खासी कमाई कर सकती है, क्योंकि इंडिया वाले लोगों को गाइस हॉरर मूवी का काफी ज्यादा अच्छा क्रेज है। अगर इस मूवी की बात करी जाए द नन 2 की, तो ट्रेलर के अंदर ही गाइस सारे के सारे जंप स्केयर दिखा दिए गए थे। जो भी सारा मेन प्लॉट था वो सब कुछ ट्रेलर में दिखा दिया गया था। तो मेन मूवी जब स्टार्ट हो रही थी 1 घंटे 50 मिनट के अंदर, तो जब जब भी कोई सीन आने वाला था उससे पहले ही सबको पता था कि हाँ अब जंप स्केयर आने वाला है, यानी कि अब डरना है। तो कुछ भी मूवी के अंदर ऐसा नहीं था कि हमें नई चीज पता चलेगी, आधी से ज्यादा मूवी प्रेडिक्टेबल थी। इसी के साथ में प्लॉट की 12 बजे हुई थी। सो गाइस, अगर आप हॉरर मूवी के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस मूवी में जाइएगा। इसी के साथ में अगर आप लोगों को ओटीटी पे देखना पसंद नहीं है, क्योंकि छोटी सी स्क्रीन के ऊपर आप अंधेरे के अंदर कुछ देख नहीं पाएंगे, तो आप इस मूवी के अंदर जाइएगा। अगर आपको नन से प्यार है, यानी कि वो ब्लैक कलर की ड्रेस वाली भूत से प्यार है, तो आप इस मूवी को देखने जाइएगा। लेकिन अपना दिमाग घर पे छोड़ के जाना है आप लोगों, क्योंकि हॉरर मूवी के अंदर हमेशा से ऐसी चीजें होती है कि हम पूछते हैं कि भाई आखिर तुम लोग अंधेरे में जा ही क्यों रहे हो अगर डर लग रहा है। तो ये बात बिल्कुल जायज है कि हम लोगों को अंधेरे के अंदर तो जाना है। मेन अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पे स्टोरी लाइन है सेंट लुइस की आंखों के बारे में, कि जो शैतान है उसे सेंट लुइस की आंखें चाहिए थी ताकि वो और ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसी के साथ में जो शैतान है, एक टाइम पे वो पहले एंजल हुआ करता था, लेकिन जब उससे उसकी शक्तियां छीन ली गई तो उसके बाद में वो शैतान बन गया। नन जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखी थी, उसके अंदर भी कई हद तक ये स्टोरी थी कि नर्क से निकल के शैतान जाग गया है और उसे फादर और हमारी मेन लीड कैरेक्टर ने मिलकर भगा दिया। सेकंड मूवी के अंदर भी गाइस यही हुआ है कि अभी तक भी हमारी नन जो की है वो मरी नहीं है, वापस से आ गई है। लेकिन इस मूवी के लास्ट के अंदर ये साफ साफ पता चल रहा था कि अभी जो उसे डिस्ट्रॉय किया गया है, कुछ टाइम बाद के अंदर जब लोगों की राइटिंग पूरी हो जाएगी तो वो नन वापस से जिंदा हो सकती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, या फिर हम कह सकते हैं मिड क्रेडिट सीन के अंदर, कॉन्जरिंग का एक पार्ट दिखाया गया है। द कॉन्जरिंग कपल आपस में बात करते हैं और फादर उन्हें बुलाते हैं कि उन्हें नए मिशन पे आना है, यानी कि फिर से नन ने कोई तो गड़बड़ करी है और हमारे जो कॉन्जरिंग के कपल है वो उसे भगाने के लिए आने वाले हैं। इंडियन पब्लिक गाइस इसे अपना पूरा पूरा प्यार देने वाली है, क्योंकि इंडियंस के लिए हॉरर मूवी हमेशा से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। इसी के साथ में गाइस, मैंने ये शो रात को 12 बजे देखा था। उस शो के अंदर एक भी सीट खाली नहीं गई थी, यानी कि पूरा शो हाउसफुल था, जबकि एक तरफ जवान चल रही थी। इसका मतलब है कि हॉलीवुड की तरफ से अगर हॉरर मूवीज आ रही है तो इंडियन पब्लिक अपना प्यार हमेशा लुटाती रहेगी। हॉरर मूवी कब कॉमेडी मूवी में बदल जाएगी ये चीज आपको पता भी नहीं चलेगी, जिस तरीके से अगर आपका पूरा थिएटर भरा हुआ रहेगा। अगर इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए जाएं तो हाँ गाइस, मूवी डार्क थी, इसी के साथ में इंटेंस थी। कुछ सीन ऐसे थे जो सच के अंदर थोड़ा बहुत डरा देते हैं, जो कि ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाए गए थे। सारे एक्टर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डबिंग की कोई गलती है ही नहीं, डबिंग बहुत प्यारी करी गई है। इसी के साथ में स्टोरी अपने आप को द नन के थर्ड इंस्टॉलमेंट में जरूर लेकर जाने वाली है, तो ये तो इसने अभी से ही प्रॉमिस कर दिया है। साथ में बीजीएम की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी कि अगर वो हॉरर मूवी के अंदर अच्छी होगी नहीं तो लोगों को मजा आएगा नहीं, तो इस मूवी के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा था। कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। इसी के साथ में जो छोटे स्टार्स थे उन लोगों की भी गाइस एक्टिंग बहुत प्यारी थी। अगर कहीं ना कहीं कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ इसके मेन प्लॉट की, अगर थोड़ा सा उसे और ज्यादा ट्रिकी बनाया जाता, थोड़ा सा हॉरर बनाया जाता, या फिर चलो स्टोरी भी छोड़ो, अगर उसी चीज का प्रेजेंटेशन और ज्यादा हॉरर तरीके से दिखाते तो अभी वो मूवी अपने आप में कंप्लीट लगती है। अगर हॉरर की बात करी जाए तो गाइस, मैंने थिएटर के अंदर लास्ट मूवी देखी थी इवल डेड राइज, जो कि मुझे इससे कहीं ज्यादा गुना पसंद आई थी। हालांकि वो एक स्लैशर मूवी थी, लेकिन उस मूवी के अंदर जो जंप स्केयर थे वो गाइस द नन 2 के अंदर बहुत ज्यादा मिसिंग थे। यानी कि टोटल मिला के 4 या 5 जंप स्केयर्स ही थे जहां पे आपको लगता है कि हाँ भाई अब डर लगने वाला है, बाकी पूरी मूवी तो ओके ओके चल ही रही है। फिर भी गाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस मूवी का ओटीटी पे आने का वेट मत करिएगा, क्योंकि जो हॉरर मूवी होती है उसे देखने का मजा तो बड़े बड़े थिएटर के अंदर ही आता है, जब लाउड म्यूजिक होता है, अंधेरा होता है, बड़ी स्क्रीन पे आपके सामने भूत आता है। तो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। और अगर अब तक भी आपने गाइस मेरा जवान और हड्डी का रिव्यू नहीं देखा है तो गाइस प्लीज उसे जाके जरूर वॉच आउट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले रिव्यू के अंदर, तब तक के लिए टाटा। This demon was once an angel.